जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने अपना सिंपल फ्रैक्शन को स्टार्ट किया, और आज की इस क्लास में हम सिंपल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसी को समझेंगे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कि आप बड़ी भिन्न कैसे छाटेंगे या फिर छोटी भिन्न, कि आपको अगर बताना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक, देखो आज का हमारा टॉपिक है, बड़ी और छोटी भिन्न। ठीक, कि हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग ये समझिए। देखिए देखिए इनसे बड़ी और छोटी भिन्न निकालने का टोटल 4 मेथड होता है। ठीक, सबसे पहला मेथड आप देखिए। देखिए इस मेथड को समझने से पहले आप सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो, देखो 2/5, और यहाँ पर एक और दिया क्या, 3/5। ठीक, देखो ध्यान से आपके सामने देखो ये दो भिन्न दिया, देखो दो फ्रैक्शन है और इसमें आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। देखो सबसे पहला आप यहाँ पर देखो मेथड सीखो, पहला इसका कंसेप्ट देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखो, देखो जो ये ऊपर वाला होता है क्या होता है, न्यूमरेटर, और जो नीचे का होता है क्या होता है, डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है, अंश। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, हर। देखो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है क्या, हर। देखो ध्यान से कि अगर दिए गए भिन्न में अगर उसका हर बराबर हो, देखो कि अगर हर बराबर हो तो, समझो ध्यान से देखो अगर दिए गए भिन्न में अगर उसका हर बराबर हो, कि जो भिन्न जो दिया उसमें अगर उसका हर बराबर हो तो जिसका अंश, देखो ध्यान से कि जिसका अंश, अंश का मतलब क्या है यहाँ पर, कि न्यूमरेटर, कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक, देखो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और देखो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ठीक, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यही देखो इसका पहला मेथड है। देखो कि अगर आप लोगों के सामने जो भिन्न दिया है, अगर उसमें आप अगर उसको ध्यान से देखो यहाँ पर, कि अगर वह उसका जो डिनोमिनेटर अगर वह बराबर हो तो देखो उसके अंश के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि उसमें से कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न छोटी है। ठीक, देखो अगर उसका हर बराबर है तो वह उस देखो वह भिन्न जो बड़ी है वह किस पर डिपेंड करेगा, उसके अंश पर, कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। देखो जिसका अंश इसमें से बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से जो एक क्वेश्चन दिया कि 2/5 और 3/5, इसमें देखो इसका जो हर है वह दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 3 है या 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो आपकी ये भिन्न है यह सबसे बड़ी होगी, बिगेस्ट। देखो और यहाँ पर देखो जो यह होगी यह क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक, यहाँ पर देखो जो बड़ी भिन्न है वह कौन है, 3/5, और जो यहाँ पर छोटे भिन्न है वह कौन है, 2/3। तो यहाँ पर देखो बीच में देखो यह चिन्ह लगेगा। ठीक, 2/5 इज लेस देन 3/5, कि यहाँ पर जो 2/5 है 3/5 से क्या है, छोटा है। ठीक, और इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट मेथड समझते हैं। चलो अब अगला मेथड हम देखते हैं। देखो जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो, देखो ध्यान से यहां पर दिया, देखो 2/5,
दो बटे में सात, दो बटे में नौ, दो बटे में यहाँ पर देखो 15। ठीक, और अगर इसमें आपको बताना हो कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको आप कैसे यहाँ पर बताओगे कि देखो इसका कंसेप्ट क्या है। देखो मेथड नंबर सेकंड है, ठीक, देखो अगर देखो दिए गए भिन्न में अगर इसका जो न्यूमरेटर है अगर ये बराबर है, देखो अगर इसका अंश, देखो अगर अंश जो इसका न्यूमरेटर है अगर अंश बराबर हो, तो जिसका देखो तो जिसका हर जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी और जिसका हर डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक, कि वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखो यही है इसका सेकंड मेथड। ठीक, कि देखो कि जब दिए गए भिन्न में अगर उसका जो न्यूमरेटर है अगर वह बराबर हो, तो देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा जो और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और देखो जिसका हर सबसे छोटा होगा और वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो जो एक क्वेश्चन दिया है इसमें सबसे, देखो इसका जो अंश है जो इसका न्यूमरेटर है वह क्या बराबर है, और जिसका जो यहाँ पर इसका हर है यह क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा हर कौन सा इसमें है, 15, तो यहाँ पर देखो यह जो 2/15 है यह इनमें से सबसे छोटी है, सबसे छोटी भिन्न है, और जो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो दिया 2/5, यहाँ पर देखो जो यह 2/5 है यह क्या है, सबसे बड़ी। ठीक, यह देखो इसका था दूसरा कंसेप्ट। ठीक, देखो जो हमारा पहला कंसेप्ट था इसमें क्या था कि जो अगर दिए गए भिन्न का अगर हर आपस में बराबर हो, तो जिसका देखो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। और आपका जो है सेकंड कंसेप्ट है इसमें क्या है कि जिसका अंश देखो अगर किसी भिन्न का अगर अंश बराबर है, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक, सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को नोट करिए। चलो तीसरा कंसेप्ट आप लोग देखो कि अगर देखो ऐसा भिन्न दिया हो जिसमें ना तो उसका अंश बराबर हो ना ही उसका हर बराबर हो, ठीक, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि वहां पर हम कैसे बताएंगे कि कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न छोटी है। देखो जैसे क्वेश्चन एक दिया हो 2/5, 8/11, और एक और क्वेश्चन दिया देखो जैसे 13/16। ठीक, देखो 13/16, यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने कि यहाँ पर देखो तीन भिन्न दिया। ठीक, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो आप लोगों के सामने अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, देखो कि इसमें से अगर आपको बताना हो कि कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न सबसे छोटी है। ठीक, देखो ध्यान से अगर यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में अगर आप पहला और दूसरा कंसेप्ट जो अगर उसको आप यहाँ पर यूज करो, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ना ही इसका अंश बराबर है और ना ही इसका हर बराबर है। ठीक, कि यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है यह भी बराबर नहीं है और इसका डिनोमिनेटर भी बराबर नहीं है, तो इसको हम कैसे यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर देखो अगर आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो ध्यान से इसका एक अलग कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट नंबर थर्ड जो है, अगर आप देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पर देखो अगर इसका अंश और हर का अगर आप यहाँ पर डिफरेंस लो,
अंश और हर का अगर आप यहाँ पर डिफरेंस लो, अंतर लो, यहाँ पर देखो 5 में से जब 3 जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर 3 इसका डिफरेंस है, और यहाँ पर देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 3 है, और यहाँ पर 13 और 16 इसका डिफरेंस, ये भी 3 है। देखो यहाँ से अगर दिए गए भिन्न में अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर हो, देखो कि दिए गए भिन्न में अगर अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। देखो यहाँ से कि अगर देखो अगर दिए गए भिन्न का देखो अगर दिए गए भिन्न में अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, देखो अगर अंश और हर का डिफरेंस, अंश का मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और हर, हर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर बराबर हो, का डिफरेंस अंतर, ठीक, अगर बराबर हो तो वहां पर देखो जिसका अंश, देखो ध्यान से कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और देखो जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक, कि वह भिन्न सबसे छोटी होगी। देखो ध्यान से हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है, कि अगर दिए गए भिन्न में अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर हो, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंस अगर बराबर हो, तो वहां पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, कि जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक, तो अगर यहाँ पर आप देखो यहाँ जो 3 जो यहाँ पर भिन्न दिया है, कि 2/5, 8/11, 13/16, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन इन तीनों का जो डिफरेंस वह आपस में क्या बराबर है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो 13 है, जो इन तीनों में जो 13 अंश है, यह क्या सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर जो आपका यह है, देखो ध्यान से कि जो आपका यह 13/16 है, यह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और यहाँ पर देखो जो आपका दिया है 2/5, यहाँ पर जो 2 है यह सबसे छोटा अंश है, तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, 2/5, कि सबसे छोटा यहाँ पर यही है। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला कंसेप्ट देखो। अगर देखो क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने, देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन दिया होगा, देखो 2/5 और दिया हो 3/7। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर अगर आप इस भिन्न को देखो, यहाँ पर क्या दिया, देखो 2/5 और 3/7, अगर आप आपको यहाँ पर बताना हो कि कौन से भिन्न सबसे बड़ी है और कौन से भिन्न सबसे छोटी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ध्यान से अगर आप यहाँ पर पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करो, तो यहाँ पर ना तो इसका अंश, देखो ना तो इसका हर बराबर है और ना इसका अंश बराबर है, तो यहाँ पर देखो जो आपका पहला जो दोनों मेथड है वह तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं लागू होगा। और देखो जो आपका जो तीसरा जो कंसेप्ट था अभी आपने जो सीखा, कि क्या इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर है, अगर देखो पहली भिन्न का अगर आप डिफरेंस लो, कि 5 में से अगर आप 2 को माइनस करो आएगा कितना, 3, और यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न का डिफरेंस कितना है, जब 7 में से जब 3 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 4, कि यहाँ पर देखो इसका डिफरेंस भी बराबर नहीं है, कि इन दोनों भिन्नों का डिफरेंस भी आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो आपने जो 3 कंसेप्ट सीखा, यहाँ पर तीनों कंसेप्ट नहीं यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपका जो है कंसेप्ट नंबर 4 है, यह क्या है, कि अगर देखो ध्यान से कि अगर ना अंश और हर बराबर हो, देखो ना अंश और हर बराबर हो, और ना ही देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि और
ना ही अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, और ना ही अंश और हर का अंतर कि, और ना ही अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, तो देखो तब वहां पर हम क्या करेंगे, किसी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, तब वहां पर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो तब वहां पर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। देखो ध्यान से, जब यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 का हम 2 में इंटू करेंगे और 5 का हम यहाँ पर 3 में इंटू करेंगे, तो देखो कितना आएगा। देखो जब हम 7 का 2 में इंटू करेंगे और 5 का 3 में इंटू करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक। और यहाँ पर देखो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। देखो ध्यान से, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो उसका नया जो अंश प्राप्त हुआ, देखो जब जब आप यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो नया अंश प्राप्त होगा, जो नया अंश आपको मिलेगा, देखो जो आपको यहाँ पर नया अंश प्राप्त हुआ, उसमें जो बड़ा होगा, देखो उसमें वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और देखो जो छोटा होगा वो सबसे छोटे भिन्न होगी। वो सबसे छोटे भिन्न होगी, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आप इन दोनों का जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो एक आ गया 14 और एक आ गया कितना, यहाँ पर 15। और यहाँ पर देखो 14 और 15 में से जो बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, यहाँ पर 15 बड़ा है, तो यहाँ पर जो दिया है 3/7, या क्या यहाँ पर है, सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में, बड़ी भिन्न है यही। और यहाँ पर छोटे भिन्न कौन है, यहाँ पर जो 14 की 2/5 जो है, यह क्या है, छोटे भिन्न है, ठीक। आप लोग इस कंसेप्ट को पहले नोट करो, फिर इसके आगे हम सीखते हैं। चलो देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अगर आपसे पूछे, अगर आपको भिन्न दे दे और उसमें से आपको पूछ दे कि आप आरोही क्रम बताओ और अवरोही क्रम बताओ, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना हो उस फ्रैक्शन को, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। चलो देखो कि अगर आपसे बोला जाए कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो इंक्रीजिंग, या फिर अगर आपसे पूछ दे डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। और देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। एक चीज और आप यहां पर समझो, देखो यहां पर देखो यह हो गया क्या, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां पर यह क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो आरोही का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से, कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, देखो बढ़ता क्रम। और यहां पर देखो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप लोगों के सामने अगर तीन तीन या फिर चार भिन्न दे दे, और वहां पर अगर आपको बताना हो कि उस भिन्न को आप लिखो अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, या फिर क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर क्या उसे लिखो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले अगर आप लोगों के सामने एक पहले क्वेश्चन दिया हो, समझो सामने आपका क्वेश्चन क्या दिया है, कि पहला जो क्वेश्चन इसमें है कि देखो 3/5, 11/13 और 15/ कितना दिया यहाँ पर, 17, ठीक। और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इसको आप लिखो आरोही क्रम में और अवरोही क्रम के, इसको आपको दोनों क्रम में लिखना हो, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखो इसे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखो, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बताओगे। देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम,
और रोहित क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। देखो यहाँ पर जो भिन्न दिया रहेगा, सबसे पहले आप इसमें निकालोगे कि कौन से भिन्न बड़े है और कौन से भिन्न छोटे। और जो बड़े और छोटे भिन्न निकालने का जो कंसेप्ट है अभी आपने सीखा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इन तीनों में से बताओ कि सबसे बड़े भिन्न कौन है और सबसे छोटे भिन्न कौन है। देखो ध्यान से, जो आपने यहाँ पर कंसेप्ट सीखा, कि जो आपने चार कंसेप्ट सीखा, सबसे पहले बारी बारी सबको आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक। बचपन में आप क्या करते थे कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, कि यहाँ पर जब आपको बताना होता था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ वहाँ पर आप क्या करते थे कि सबसे पहले जो इसका यहाँ पर हर है, इसका आप क्या क्या लेते थे, एलसीएम, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर एलसीएम नहीं लोगे, अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर सबसे पहले आप पहला जो कंसेप्ट आपने सीखा कि अगर उसका हर बराबर हो, तो जिस अगर जो उसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जो इसका हर है वह बराबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर पहला वाला रूल तो नहीं लगा, अब सेकंड रूल देखो, क्या इसका अंश बराबर है? तो यहाँ पर 3, 11, 15, यहाँ पर इसका अंश भी बराबर नहीं है, तो सेकंड वाला भी रूल यहाँ पर खत्म हो गया। और देखो तीसरा रूल जो था कि अंश और हर का डिफरेंस क्या यहाँ पर बराबर है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया कितना, 3 और 5, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर देखो 11 और 13, यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर कितना है, 15 और 17, यहाँ इसका भी डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो आपका बड़े और छोटे भिन्न निकालने का जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट था कि हम इसके अंश और हर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या लेते थे, डिफरेंस, अंतर लेते थे, ठीक। अगर उसका अंतर अगर बराबर हो, डिफरेंस अगर बराबर हो, तो जिस जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस तो है बराबर, तब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगर इसका देखो, अब तीनों में आप चेक करो कि सबसे बड़ा अंश किसका है। तो यहाँ पर देखो 15 जो है या सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब यह क्या, जो यहाँ पर 15/17 है क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। और यहाँ पर देखो सबसे छोटी भिन्न कौन है, यहाँ पर 3/5, ठीक। यह क्या है, सबसे सबसे छोटी भिन्न है इसमें तीनों में से, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपको पता चल गया, सबसे छोटी भिन्न आपको पता चल गया, तो बीच वाली भिन्न कौन होगी, 11/13 ही होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो, चलो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ध्यान से कि सबसे पहले आप देखो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले अभी समझो कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि हम छोटे से हम कहाँ जाएंगे, बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक। कि देखो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर तीर से आप समझो कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, जो सबसे छोटा वाला जो भिन्न है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन है, 3/5, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो लिखा जाएगा 3/5, अब देखो जो इससे बड़ा होगा, देखो 3/5 यहाँ पर लगाएंगे हम ग्रेटर का साइन, ठीक। देखो 3/5, अब 3/5 से बड़ा कौन है, देखो 11/13, यहाँ पर देखो इसके बाद इससे बड़ा कौन है, 11/13। अब देखो इससे बड़ा कोई और है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 15/17, तो यह कितना हो जाएगा, 15/17, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर, यही क्या है इसका, बढ़ता हुआ क्रम है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। देखो 3/5, 11/13 और 15/17, कि यहाँ पर देखो हम छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। यह क्या है, आरोही क्रम है। अब अगर देखो अगर आपको लिखना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, आरोही। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। देखो इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह से आप समझो कि सबसे पहले देखो सबसे बड़ी होगी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, ठीक, उससे बाद सबसे छोटी, देखो सबसे लास्ट में सबसे छोटी होगी, और सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा। कि देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े से हम कहाँ जाएंगे, छोटे की तरफ, और देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से हम जाएंगे बड़े की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, जब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे बड़ी वाली भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 15/17, ठीक। अब देखो इससे छोटी भिन्न कौन है, 11/13, कितना है, 11/13। और देखो सबसे छोटी भिन्न कौन है, 3/5, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर, नोट करो आप लोग, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेंगे।
चलो देखो अब अपना अगला वाला क्वेश्चन। देखो दिया कितना, 6/7, 5/6, 8/9 और 3/4। ठीक, देखो ध्यान से, आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि आपके सामने यहाँ पर कितने भिन्न दिया है, 4 भिन्न। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है, देखो आपको यहाँ पर भी दोनों बताना है कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर दोनों ही बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो क्या इसका हर बराबर है, तो हर इसका बराबर नहीं है और ना इसका अंश बराबर है। और इसका चेक करो क्या इसका डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ पर देखो 6 और 7 इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1, 5 और 6 इसका भी डिफरेंस 1, 8 और 9 1। और यहाँ देखो यहाँ पर जो ये भिन्न दिया है इन सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है कि इनके अंश और हर का जो डिफरेंस वह क्या है, बराबर है। ठीक, देखो जब अंश और हर का डिफरेंस जब बराबर है, तो यहाँ पर देखो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 8/9, यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, और देखो इस सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर कौन होगी, 3/4। देखो चलो अब अगर यहाँ पर जो आपको लिखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो यहाँ पर जो आपको लिखना है कि बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली भिन्न कौन है, 3/3, देखो 3/4। अब देखो इससे बड़ी भिन्न कौन होगी, ये तो हो गया जो 3/4। अब इससे बड़ी कौन सी होगी भिन्न, जिसका अंश 3 से बड़ा होगा। ठीक, देखो यहाँ पर 3 से बड़ा कौन है, 5, और 5 से बड़ा कौन है, 6। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, 5/6, और इससे बड़ा कौन है, 6/7, और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, 8/9। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर कि यह क्या हो गया इसका, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक, और देखो यहाँ पर जो आपको इसका लिखना हो, अगर घटता हुआ क्रम कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो अगर यहाँ पर जब इसका घटता हुआ क्रम लिखा जाएगा, घटता हुआ क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, और चलिए आज के क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और कल की क्लास में हम अपना डेसिमल फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, कि आज आपका जो सिंपल फ्रैक्शन था यह क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना डेसिमल फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।